सरकार है वो बोलती है कि हमारे शिक्षक साथी निकम्मे हैं। अगर भूपेश बघेल अभी नहीं सुनेंगे तो मैं बस्तर का बच्चा ये दावा करता हूँ और हाल ही में उनके बालू चाहे से कि 15 से 15 सीट मिलेंगे। शिक्षा मंत्री कुछ बोलते ही नहीं है, शिक्षा मंत्री आज तक कुछ बोले ही नहीं है। भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन आज 3.5 साल से हम भरोसा करके बैठे हैं और भूपेश बघेल जी सोए बैठे हैं। जोहार, आप देख रहे हैं tokan.com और मैं हूं आपके साथ स्नेहिल। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में खड़े हैं और यहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ हजारों की संख्या में सहायक शिक्षक खड़े हुए। आपको बता दूं आज पूरे प्रदेश भर में 1,90,000 के लगभग जो सहायक शिक्षक है वो धरना दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार नारेबाजी चल रही है। इस मुद्दे को लगातार आज विधानसभा में भी उठाया गया, जिसको लेकर के लगातार इनकी मांग है। क्या मांग है, एक मांग को लेकर आज यह धरने पर है, उनसे बात करते हैं। आज आप लोग अपनी एक सूत्री मांग को लेकर धरने पर, क्या मांग है? हमारी एक ही बहुप्रतीक्षित मांग वेतन विसंगति दूर करने की मांग है, जिसको लेकर के सभी सहायक शिक्षक आज आक्रोश के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्या आप लोग जिस तरीके से लगातार धरना कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है सरकार आपकी बात मानेगी? बिल्कुल मानेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी बहुप्रतीक्षित मांग जो वेतन विसंगति है, माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बार बजट प्रस्तुत कर चुके हैं, हम एक ही चीज चाहते हैं कि हमारी वेतन विसंगति दूर कर दें। लगातार इससे पहले भी आप लोगों का धरना हुआ है, तमाम तरह की चीजें हुई है, क्या कुछ सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार सुनेगी हमारी बात। सरकार हमारे कुछ दिन पहले हमारे लिए कमेटी बनाई हुई थी, कमेटी में मात्र और मात्र 3 महीने का समय मांगा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन आज 11 महीना हो गया, कमेटी का निर्णय आज तक नहीं आया है, इसीलिए सहायक शिक्षक आज आक्रोशित है। शिक्षक है वो आक्रोशित है, और भी कोई शिक्षक है हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार कमेटी बनाई गई थी आप लोगों के लिए, कमेटी 3 महीने में रिपोर्ट देने वाली थी, बाकी चीजें बाकी 11 महीने हो गए, आप लोग का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्या कहना है आपका? ये कमेटी जो है पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी कर्मचारी, चाहे 4 लाख कर्मचारी अन्य विभाग के हो, सबके नाम से कमेटी बनाया गया, और सहायक शिक्षकों के लिए जो कमेटी बनाई गई थी निश्चित तौर पे उस समय आंदोलन को कुचलने के लिए था, और हमने देखा 90 दिन इंतजार किया, उसके बाद हमने पत्र व्यवहार भी किए थे, लेकिन पत्र व्यवहार का कोई जवाब नहीं आया। अब हमारा मंशा है आर पार की लड़ाई की, इसके बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, और इस बार जो आंदोलन होगा वो भयंकर से भयंकर होगा। इस बार तख्ता पकड़ने की ताकत रखते हैं, पूरे कर्मचारी नाराज है, और इस बार राज सिंहासन डुला कर ही रखेंगे। यदि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हजारों की संख्या में चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, सहायक शिक्षक खड़े हुए हैं, पीछे पूरी की पूरी पुलिस बैरिकेडिंग लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जो महिलाएं हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका जवाब निकल कर सामने आ रहा है। आप लोग आज पूरे प्रदेश भर में 1,90,000 से ज़्यादा जो है, 9,000 से ज़्यादा जो शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं, वो धरना दे रहे हैं। अलग अलग जगह से शिक्षकों को पुलिस ने उठा भी लिया है। आप लोग यहाँ पर लगातार पुलिस बल के सामने पहले भी आप लोग धरने, एक सूत्री मांग है आपकी, सरकार से आपका क्या कहना है? सरकार से हमारा ये कहना है कि आपने जो हमारे साथ वादा किया था उस वादे पर आप खरा उतरिए, और हमारी एक सूत्री मांग है जो वेतन विसंगति उसको दूर कीजिए। आपने अपना वादा किया था लेकिन आप अपने वादे पर खरे नहीं उतरे, आपके लिए हमारे लिए कुछ नहीं है, और आपका वेतन भत्ता बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? आपके समय खजाना खाली नहीं है, हमारे लिए आपका खजाना खाली है, तो हम ये होने नहीं देंगे जब तक हमारी एक सूत्री मांग पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लगातार आज विधानसभा में एक बात और आई, जैसे कि जिस तरीके से और भी लोग हैं उनसे कहना है, क्या निवेदन पे, माननीय मुख्यमंत्री के निवेदन पे हमने अपना हड़ताल खत्म किया था, है ना, 18 दिन की हड़ताल खत्म किया था केवल उनके निवेदन पे और उन पे विश्वास करके। उन्होंने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का क्या हुआ हम ये पूछना चाहते हैं। कमेटी को लेकर के तमाम तरह की बातें हैं, कमेटी को लेकर क्या कहना है आप? आज वो कमेटी बने हुए 3 महीने में कमेटी का बनाया गया था, लेकिन आज पूरे 1 साल होने को है, वो कमेटी आज तक रिपोर्ट नहीं दे पाई है, और सरकार अपना भत्ता बढ़ाई जा रही है लेकिन सहायक शिक्षकों के लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार चुनाव जीतने से पहले खुद भूपेश बघेल ने हमसे वादा किया था कि हमारा वेतन विसंगति का निदान तुरंत कर दिया जाएगा, लेकिन आज 4 साल हो गए हैं, वेतन विसंगति का निदान अब तक नहीं हुआ है। क्या लगता है आपकी मांग पूरी होगी? मांग उनको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का एक नारा है कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन आज 3.5 साल से हम भरोसा करके बैठे हैं और भूपेश बघेल जी सोए बैठे हैं। सिर्फ भरोसा
अपने विधायकों का करते हैं, वो हम लोगों का नहीं है, यहाँ के कर्मचारियों का नहीं है। 3.5 साल से न हमको डीए मिला है, न वेतन विसंगति हुई है, न किसी कर्मचारी संगठन की मांग पूरी हुई है। लगातार विधायकों का वेतन बढ़ने के मामले को लेकर के इनमें आक्रोश है, इनका वेतन नहीं बढ़ रहा है, बाकी और भी चीजें हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना है? मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव के पहले उन्होंने जो घोषणा पत्र किया था और उसमें जो उन्होंने वादा किया था, हम सिर्फ और सिर्फ उसी की मांग किए हैं, कोई अन्यथा मांग हमारे तरफ से कोई नहीं है, है ना। और हमारे हड़ताल के बाद केवल उन्होंने एक ही बात की थी कि आप हड़ताल से हटिए, हम कमेटी बनाते हैं आपकी वेतन विसंगति के बारे में, हम कमेटी बना के हम जानकारी लेते हैं। उन्होंने जानकारी ले ली, क्या हुआ उस जानकारी का बताइए आप हमको। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हमें जो वेतन कम मिल रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उनकी वेतन विसंगति से कोई मतलब नहीं है। शिक्षक है, उनसे उनसे बात करते हैं, क्या कहना है? सर जी, हमारे जो सरकार है वो बोलती है कि हमारे शिक्षक साथी निकम्मे हैं, निकम्मे हैं। हम उनसे चाहते हैं कि हमने कोरोना काल में काम किया, हमने मोहल्ला क्लास लगाई, पढ़ाई तोड़-तोड़ किया, हमने ऑनलाइन पढ़ाई कराई, हमारे बच्चे आज टॉप में हैं। लेकिन उन्होंने जो पिंक वा कमेटी बनाई, वो कमेटी आज 6 महीने हो गए, 8 महीने उनकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई, तो निकम्मा कौन? जो आलोक शुक्ला के द्वारा एक बयान दिया गया था एक मीटिंग के दौरान, जिसमें सहायक शिक्षकों के लिए निकम्मा शब्द इस्तेमाल किया गया था, उसको लेकर भी इनमें आक्रोश है। अब इनका कहना है कि जब कमेटी ही जवाब नहीं दे पा रही है तो आखिर निकम्मा कौन है, क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने अभी बताया कि जिस तरह से उमेश सागर ने पहले वादा किया था 4 साल में, वो आज 4 साल हो गए, लेकिन आज तक कमेटी का रिपोर्ट आज वेतन विसंगति दूर नहीं किया गया है, ना ही 3 महीने की कमेटी, आज एक साल होने को आई है, वो कमेटी दूर नहीं हुई। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया वाले से कि जाकर भूपेश बघेल से पूछे कि कमेटी का क्या हुआ। आप बस्तर से आए हुए हैं यहाँ पे धरने के लिए, क्या कहना है आप, इतनी दूर से आए हैं आप? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि 2018 में आपने वादा किया था, तत्कालीन भाजपा का जब सरकार था तब भी हमने आंदोलन करते रहे, तब आपने हमारे मंच पर आकर कहा कि आपका मांग जायज है, संविलियन होने के बावजूद भी 1 और 2 को फायदा हुआ, 3 के साथ आर्थिक तौर पर शोषण हुआ, तो आपने शोषण को दूर करने की बात और सहायक शिक्षक फेडरेशन की वेतन विसंगति को एकमात्र मांग है उसे सुधारने की बात कही थी, और तब हमने विशाल आंदोलन करके छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार बड़ा आंदोलन हुआ और हमने सरकार को बदल के दिखा दिया था। और हमारे बस्तर में तो पूरा, हमने बस्तर के जितने भी सहायक शिक्षक वहाँ के मूल निवासी बंधु हैं, उन्होंने चैलेंज करके गया था तत्कालीन रमन सिंह को कि आपके पूरा सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और पूरा बस्तर को भाजपा से मुक्त किया, अगर भूपेश बघेल अब भी नहीं सुनेंगे तो मैं बस्तर का बच्चा ये दावा करता हूँ, और हल भी मैं उनके बलुक चाहे थे कि 15 से 15 सीट उतारे, खत्म कर लेंगे। जय जनतेश्वरी माई, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़ माता तारी, शिक्षक पढ़ रहे थे, जिंदाबाद जिंदाबाद। लगातार आप देख सकते हैं इनमें आक्रोश है, और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार आलोक शुक्ला के बयान को भी लेकर इनमें आक्रोश है, जो निकम्मा जो शब्द इस्तेमाल किया गया था सहायक शिक्षकों के लिए, वो शब्द अब कहीं ना कहीं सरकार के लिए घातक साबित होता दिखा रहा है। सर, इनका सहायक शिक्षकों का साफ कहना है कि जो कमेटी इतने दिनों में रिजल्ट नहीं दे पाई, आखिर वो निकम्मी है या हम, इस बात का फैसला अब सरकार कर ले। लगातार और भी लोग हैं, आप लोग यहाँ की कहाँ से आए हैं आप? मैं रायपुर से हूँ। लगातार आप लोग धरना दे रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में धरना चल रहा है, अलग अलग जगह से आपके साथियों को उठाया गया, क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी? सर, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से हमारे साथी निकले हुए थे, लेकिन सरकार की दमनकारी नीति के तहत उनको जगह जगह रोका गया, बैरिकेटिंग कर किया गया, थाने में बैठाया गया, एक गाड़ी जो बैरिकेटिंग में लगा हुआ था उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसमें कई हमारे साथी घायल हो गए। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए पुरजोर प्रयास कर लिया है, और हमको सरकार ने मजबूर कर दिया है कि हम स्कूल को छोड़ के सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये आप देख लीजिए, यहाँ पे जिस तरीके से सहायक शिक्षक अब स्कूलों तक नहीं जा पा रहे हैं, स्कूलों तक ना जा पा रहे, लगातार तमाम तरह की इनकी दिक्कतें आ रही हैं, इन सब दिक्कतों को लेकर के इनका क्या कहना है, इनसे और बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि सरकार बिना कुछ कहे हमारी मांगों को पूरा कर ले, इसी में उसकी भलाई है और सबकी भलाई है। सरकार अगर मांग को नहीं मानती है तो हमारे पास संवैधानिक तौर पे हमारे पास हथियार है, हम उस हथियार के जरिए सरकार को सबक सिखाएंगे, और जो हमारे साथ धोखा करेगा उसके साथ भी वही होगा, वही परिणाम भुगतेगा।
लगातार और भी लोग हैं, लगातार आप सरकार से कह रहे हैं कि भाई सरकार आपकी बात सुन ले, सरकार ने कमेटी बनाई, कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं आया, उससे भी आप लोगों में आक्रोश है। लगातार आलोक शुक्ला की टिप्पणी को भी लेकर आपको आप लोगों में आक्रोश है कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो। सर, सत्ता में आने पूर्व खुद सरकार बोले थे कि वर्ग एक और दो को लाभ हुआ है और सविजन वर्ग तीन को घाटा हुआ है। हमारी सरकार जैसे बनती है हम 10 दिन के अंदर में आपकी मांग पूरी करेंगे, वेतन विसंगति को दूर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन आज 4.5 साल हो गया, 4.5 साल में उन्होंने हमारी मांग पूरा नहीं किया। और इसके पूर्व हमने जो 18 दिन का आंदोलन किए उस समय भी कमेटी बना करके कहा गया था कि 90 दिन के अंतर्गत आपकी जो है मांग पूरी कर दी जाएगी, लेकिन वह कमेटी 1 साल होने जा रहे हैं लेकिन आज तक उसकी मांग हमारी कोई निर्णय नहीं आया, इसलिए हम लोग पुनः आंदोलित हो गए हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम आंदोलित रहेंगे। लगातार आप लोग आंदोलन दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री का क्या कहना है? शिक्षा मंत्री सर, संवाददाता सर, सर नमस्ते। शिक्षा मंत्री कुछ बोलते ही नहीं है, शिक्षा मंत्री आज तक कुछ बोले ही नहीं है, कब बोलेंगे? बातचीत तो होती है आप लोगों की, मीटिंग जाती है, क्या होता है, शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं? आज तक झुनझुना ठिनठिना और वो क्या बोलते हैं, वो क्या है सर? हमारा ये कहना है कि हमारा जो मुख्यमंत्री श्रीमान जी महोदय जी है बघेल जी, वो डायरेक्ट वो अपना काम कर सकते हैं, उनका पावर उनके हाथ में है, तो उनको ही आगे आना होगा। लगातार बहुत सारी मांगी है, इनकी अलग सारी बातें हैं, कई सारी बातें ये कह रहे हैं। लगातार इनका कहना है कि जो कमेटी बनाई गई उसका क्या हुआ, आलोक शुक्ला की टिप्पणी को लेकर भी यहाँ पर लगातार जो है सहायक शिक्षक उनमें आक्रोश है। एक आखिरी सवाल इनसे कर लेते हैं, अगर सरकार अभी भी आपकी बात नहीं मानती है तो आपका रुख क्या होगा? अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन जो है और उग्र होगा और सभी स्कूलों में हम तालाबंदी करके सड़कों में आ जाएंगे और 2023 में बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और 2023 में जैसे रमन सरकार से वो सीख ले ले कि रमन सरकार आसपास नजर आई तो ये 71 सीटों का जो घमंड है उनका चूर चूर कर देंगे और 0 में न समेट दिया तो हम भी शिक्षक साथी नहीं। तो आपने सुना, ये थी सहायक शिक्षकों की बातें, उनका आक्रोश, उनका गुस्सा अब प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पर पुलिस बल लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में इनका आक्रोश भी सरकार की तरफ दिखाई दे रहा था। अब ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार इनकी बातें मानती है या फिर कोई बीच का रास्ता निकल कर सामने आता है। शिक्षा मंत्री का क्या कहना है, मुख्यमंत्री क्या कहेंगे और इनकी एक सूत्री मांग को लेकर अब सरकार किस दिशा में जाएगी, ये भी देखना होगा। लगातार आपको खबरों से अपडेट करते रहेंगे तोपचन.com पर, बने रहें हमारे साथ।